बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वीवो V13 फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करें। अगर आप भी अपने फोन में इस सेटिंग को गाइस इनेबल करके लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अगर आप भी ऑटोमेटिक अपने फोन में चेंज करना चाहते हैं, बट अगर आप कर नहीं पाते हैं तो जैसे मैं आपको सेटिंग करके बताऊंगा, सेम ऐसे अगर आप इस सेटिंग गाइस करेंगे बिल्कुल आप भी अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज गाइस कर सकते हैं। जितनी बार आपने फोन में पावर बटन को प्रेस करेंगे उतनी बार बिल्कुल आपके फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होकर आएगा। तो सेटिंग को इनेबल कैसे करना है और अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कैसे करना है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं, सेम ऐसे अभी अपने फोन में बिल्कुल गाइस कर लीजिएगा। साइड में देखिए फोन मिलेगा आपको, इसके लिए पहले फोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करेंगे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है, एक आपको सेटिंग मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का, इस वाली सेटिंग पर गाइस क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे लॉक स्क्रीन सेटिंग का एक ऑप्शन है, यहां पर गाइस क्लिक कर लेना है। आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन स्टाइल, उसके नीचे मिलेगा चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। अगर ये सेटिंग आपका फोन में डिसेबल है तो पहले आपको इसको यहाँ पे इनेबल गाइस कर लेना है। इनेबल कर लेंगे आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप गाइस क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेना और यहाँ पे देखिए अगर आपके फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग अगर आपके फोन में डिसेबल है, ठीक है, तो सारी सेटिंग के यहाँ पे सभी सेटिंग बिल्कुल डिसेबल हो जाएगी, काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या, आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे इनेबल गाइस करके और यहाँ पे टोटली ऑल बैक आ जाना है। अब देखिए बैक आ चुका अपने फोन में, जितनी बार हम पावर बटन को प्रेस करेंगे बिल्कुल उतनी बार हमारे फोन में वॉलपेपर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक गाइस चेंज होकर आ रहा है। तो अगर ऐसे आप भी सेटिंग गाइस करके अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अगर आप भी ऑटोमेटिक चेंज गाइस करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अपने फोन में करके बताया, सेम इसे आप भी कर लेंगे बिल्कुल गाइस लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज गाइस कर सकते हैं।